incomplete if yet. And with greatest support of Vijay sir and Mamta ma'am, हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जहाँ पे प्रतियोगी छात्रों को आकर के एक ऐसा स्टेज मिले जहाँ पे वो अपने पहले कदम से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति पूरी तरह सतर्क होकर के और सजग होकर के आगे बढ़े। हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसने जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जुडिशरी से रिलेटेड हो रही उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद जो चीज़ें हम लोगों ने वहां पॉइंट आउट किया कि हर 2-3 साल पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है और जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करने वाले लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं परेशानी आ रही है। तो इस चीज़ को देखने के बाद जब हम लोगों ने बच्चों के आईक्यू को देखा तो लगा कि नहीं, इस बच्चे में वो आईक्यू है लीगल आईक्यू की जो ये सेलेक्ट हो सकता था लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपडेट नहीं है। और सिलेक्शन का आज जो क्रेज है, गेटिंग सिलेक्शन इज अनदर थिंग बट गेटिंग सिलेक्शन इज इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इज रियल क्रंच। दैट्स वाई ये देखने में बार बार आ रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो सकते थे वो थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट तक जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मिलके इस चीज़ पे सोचा और उसी को ध्यान में रख के जनरली हम लोगों ने देखा कि बच्चे पहले लॉ करते हैं, फिर वो जा करके कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर वो गाइडलाइन वहाँ से आ रही है। तो ये डिसाइड किया गया क्यों ना हम उनको पहले स्टेज पे ही ये चीज़ें दे दें। पढ़ता बच्चा वही है, वही आईपीसी पढ़ेगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, वही प्रोसीजर पढ़ेगा, उसी वक्त हम क्यों ना इसे कम्पिटिटिव अप्रोच भी दे दें। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने इस साल से कोचिंग पहले भी दी जाती थी, ट्यूटोरियल क्लासेज हमारे यहाँ 2011 से ही चल रहे हैं, अलग से जो बच्चे जो डिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे उनको दिया जा रहा था। लेकिन इस साल हम लोगों ने एक अलग से कोर्स फ्रेम किया लॉ प्लस पीसीएसजे, जिसमें हमने एकेडमिक्स के जो सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग पीसीएसजे के सिलेबस को मर्ज कर दिया। जो सेशन गैप हो रहे हैं, सेमेस्टर गैप, उसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पीसीएसजे में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आने वाले हैं उनको कवर किया और 2 साल में पूरी जुडिशरी के कोर्स को समाप्त करने की बात की कि हाँ ये कम्प्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 ईयर्स जो हैं ऑनर्स के उनमें रेगुलर उनका रिपीटिशन कराया जाएगा, उनका रिवीजन कराया जाएगा। उससे हम लोगों को ये चीज़ देखने में आ रही है कि बच्चा जब कम्प्लीटली तैयार है, अब सिलेबस उसका तैयार है, उसके बाद उसे कहाँ परेशानी आ रही है। रेगुलर उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात है, टेस्ट पैटर्न पूरे तैयार किए गए हैं मेंस का, प्रीलिम्स का, क्योंकि प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, मेंस की रिक्वायरमेंट अलग है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है। बच्चा सिर्फ प्री 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 करता रहता है जनरली देखा गया कि पहले प्री तो हो जाए फिर मेन। लेकिन जब मेंस में मैंने कई बच्चों को देखा, कई लोगों से मिला कि प्री निकलने के बाद टाइम कितना है उनके पास, 20 दिन का 22 दिन का 25 दिन का, और लास्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कि नो हम नहीं कर सकते। क्यों? प्रॉपर वे में उन्होंने तैयारी नहीं की। इन्हीं चीज़ों को लेकर के पीसीएसजे और लॉ शुरू किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने जो पैटर्न रखा है उसमें बच्चों को 2 साल के अंदर ही पूरी चीज़ सिलेबस जुडिशरी का तैयार कराया जाएगा और रिपीटेडली उनसे टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और एक्सपर्ट टीचर्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक टीचर से अगर आप बार बार कई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर को हर किसी में स्पेशलाइजेशन हो, तो अलग अलग टीचर से अलग अलग समय पे उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनका इंट्रैक्शन कराना, अलग क्लासेस कराना, स्पेशलिस्ट लोगों को बुला करके, और स्पेशली आप जैसे जो आज हमारे बच्चे हैं जिन्होंने सिटी लॉ को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अगर कहूँ कि सिटी लॉ की जो सक्सेस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है, अब ये आदत सी हो चुकी है कि 2011 के बाद से जो सिलेक्शन का दौर शुरू हुआ है कोई साल ब्रेक नहीं हो रहा है।
और हर सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर के लिए एक लैंडमार्क दे रहा है कि यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू अचीव दिस। और हमें इसे देख के बहुत अच्छा भी लगता है। हम लोग पूरी टीम के रूप में, आज सर का गाइडेंस है, सबसे ज़्यादा मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा विजय सर का। मैंने पहले भी कई जगह में रहा, लेकिन विजय सर जिस हिसाब से लॉ में इंटरेस्ट लेते हैं, पर्सनल इनका इंटरेक्शन है इसको लेकर के, हमेशा बुलाएंगे, हमेशा बात करते रहेंगे, लॉ में क्या हो रहा है, कैसे करेंगे आप, क्या चेंजेस कर सकते हैं आप इसमें। और पूरी इम्फेसिस, जब डायरेक्टर की ये इम्फेसिस है किसी लॉ को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो फिर हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं कि यस ये चीज़ करना है। और बच्चे जो आप लोग खड़े हैं, और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इन्हें देखें, एक दिन मैं श्योर ये बैठे होंगे, और मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। आज हम लोगों ने देखा कि इनिशियल स्टेज पे ये कोर्स शुरू करने के पीछे की वजह कि लॉ कॉलेज में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनका एक ड्रीम है, कोई जज बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, मे बी BCS, मे बी IAS, सारी चीज़ें। तो जब एक फैमिली के रूप में हम क्लास को देखते हैं तो ये फील होता है कि यहाँ ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये हमारी फैमिली जो जिससे मिल के ये सोसाइटी बन रही है, और वही सोसाइटी हमारा नेशन बनाएगी, उनकी होप है। और वो होप कैसे सेटिस्फाई होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें लेकर के हम लोग ये प्रोग्राम लेके आए। और आज उस प्रोग्राम का जो अभी इनिशिएटिव मिल रहा है, जो चीज़ें मिल रही हैं, उन चीज़ों से मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में लॉ फील्ड में, स्पेशली BCS-J के लिए जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, उनको, उनके लिए एक नई दिशा की शुरुआत होगी। और जो लोग लॉ कंप्लीट करने के बाद जुडिशरी के बारे में सोच रहे थे, आज वो लॉ का एडमिशन लेते ही सोचेंगे, क्यों, 5 साल बाद क्यों, आज क्यों नहीं। इसका मतलब आपका डेडिकेशन कम था, और अगर डेडिकेशन है तो आपको फर्स्ट स्टेज से शुरू करना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के लॉ PCS-J शुरू किया जा रहा है। इनमें हम लोगों ने 3 स्टेज बनाए हैं। प्रिपरेशन जो होगी बच्चे की, उसके लिए हम लोगों ने पहले फेज में जो रखा है कि आइडेंटिफिकेशन होगा स्टूडेंट्स का, कि कौन जुडिशरी में रियली इंटरेस्टेड है, IQ नहीं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आपका है तो आप रियली बूम कर सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं है, IQ चाहे जितना हो, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपना 100% नहीं देंगे, और 100% नहीं देंगे तो कुछ भी हो, कंपटीशन बीट नहीं होगा, सीटें बहुत कम है, एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उन लोगों को पहले फेज में आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किनका इंटरेस्ट है। दूसरे फेज में जो कम्पिटेटिव प्रिपरेशन है, ये कहते हैं कि नई बुक्स ले लिया, ये पैटर्न है, ये सिलेबस है, ऐसा आता है, पढ़ लो। नो, वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कर भी लेंगे तो समझने में, मैंने जैसा पहले कहा, देर लगेगी, 4 साल 5 साल 6 साल। हम लोगों को उनको बताना है कि क्या तरीका होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए स्टडी मटेरियल की, जिस हिसाब से लॉट डेवलप कर रहा है, जिस हिसाब से पैटर्न चेंज कर रहा है, उस हिसाब से अपडेटेड स्टडी मटेरियल उनको मिलना चाहिए। क्या जजमेंट राइटिंग होगी ऑनरेबल जजेस को, और जितने भी सीनियर टीचर्स हैं, हम लोग बार बार बुलाते रहते हैं, अभी जज साहब हैं, जस्टिस SC पाठक सर, उनको हम लोगों ने पिछले साल बुलाया, पूरा रिटायर्ड जज हैं सर, और उनको क्लासेज हम लोगों ने कंडक्ट कराई, स्पेशल क्लासेज उनसे दिलवाई, CBC पे सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ थी, CBC उनको दिया गया, और सर ने जो चीज़ें बताई बच्चों को, बच्चे काफ़ी उससे खुश दिखे, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें लेकर के हम लोग आ रहे हैं कि स्टडी मटेरियल कैसा होगा, उसके बाद हमारा टीचिंग पैटर्न क्या होगा। टीचर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैक्ट तो सारे बुक्स में है, सब कुछ तो बुक्स में है, हम बेरेक चेंज नहीं कर सकते, हम लॉ चेंज नहीं कर सकते, बट हर कोई टीचर क्यों नहीं हो जाता, हर कोई टीचर क्यों नहीं हो जाता।
टीचर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए वो बस यही कि वो उसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो जैसे समझा रहा है, बच्चे को कभी नहीं लगना चाहिए कि उसको टीच किया जा रहा है, बस उसे लगना चाहिए उसे बताया जा रहा है एंड ही हैज टू नो कि क्या है ये। जहाँ बच्चे को लगने लगा ये टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिर वो ऊबना शुरू हो जाएगा, उसका इंट्रैक्शन उसके तरफ कम होता जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोग एग्जाम और को ध्यान में रख के पढ़ाने का जो पैटर्न है कितना इजी हो सकता है, छोटे बैचेज रखेंगे, जैसे अभी सर का गाइडेंस था कि 30-30 एक बैच हम लोग 30 बच्चों को रखेंगे और प्रॉपर पूरा पैनल बनाया गया है कि उनकी पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन, उन्होंने कितने टेस्ट दिए हैं, उनमें क्या मार्क्स आए हैं, किसका किस पोर्शन में कम रह गया है, सारी डायरी मेंटेन करना है कि और उनपे पॉइंट टू पॉइंट मेहनत करते जाना है, क्योंकि 2 साल में सिलेबस खत्म है, अगले 3 साल हम लोगों को सिर्फ उनको रिविजन कराना है। इस हिसाब से पैटर्न को हम लोगों ने डेवलप किया है। उसके बाद टीचिंग तो खत्म कर दी 2 साल में, अगले 3 साल क्या करें, बच्चे को छोड़ दें। जनरली होता है कि बच्चा 3 साल बाद चीज़ें और चेंज हो रही हैं, अपडेट नहीं हो पा रहा है, रिवीजन नहीं कर पाता, बच्चे तो बच्चे हैं वो रिवीजन नहीं करते हैं, लगता है कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया, नहीं नहीं एक बार पढ़ लिया हो नहीं गया, आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, नाउ यू हैव टू नो अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। आप उस चीज़ को देखें, क्योंकि आज अगर जुडिशरी के हम पैटर्न को देखें, जैसे UPJ का लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसका पेपर एनालिसिस की जा रही थी, हम लोगों के 3 लोगों की टीम पूरी उसको कर रही थी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें क्वेश्चन सीधा था। उसमें पहला पार्ट तो सीधा दिख रहा है कि ये चीज़ें, उसके बाद प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। बच्चा पहला पार्ट तो पूरा कर लेता है और लास्ट पार्ट तक जाते जाते उसे लगता है कंप्लीट हो गया, वो यस नो में आंसर कर देता है, नहीं गलत हो गया। सबसे बड़ी चीज है कि कंपटीशन में आंसर करना होता है, जबकि 90% स्टूडेंट नियर अबाउट, ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आंसर नहीं करते, इंफॉर्मेशन देंगे, यस फ्रॉड पूछा, अब फ्रॉड के बारे में वो जितना जान रहे होते हैं सब बता दिया उन्होंने, नो आपको आंसर करना है कि उस फ्रॉड में वो जानना क्या चाह रहा है, सिर्फ डिफिनेशन जानना चाह रहा है या कोई प्रॉब्लम है उसकी। तो आंसर कैसे राइट किया जाएगा वो चीज़ें बताने की जरूरत है। तो जब बच्चों को ये चीज़ें प्रैक्टिस करा दी जाती हैं कि यस यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, यही तो हम लोग सुनते आ रहे हैं, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, लिखा भी हमने बहुत ज़्यादा, मार्क्स नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ एक चीज़, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, या तो आप झूठ बोल रहे हैं और या तो आपने इंफॉर्मेशन दी है, आपने आंसर नहीं किया क्वेश्चन को, और जब आंसर किया ही नहीं तो आपको नंबर मिलेंगे कहां से। तो उन चीजों को ध्यान में रख के 3 साल में लगातार रिवीजन की बात की जा रही है, इन्हीं पे वर्क होना है, हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, आंसर कैसे किए जाए। आता बहुत लोगों को है, देर आर सेवरल लॉ स्टूडेंट्स जिनमें नॉलेज बहुत सारा है, बट वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ऑर्डिनरी सा नॉलेज है उनके पास, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो सेलेक्ट हो रहे हैं, वजह क्या है, वजह यही आंसर राइटिंग, इंफॉर्मेशन नहीं देनी है हमको, आंसर देना है। तो वो चीज़ें डेवलप कराने की ज़रूरत है। और उसी चीज़ के लिए जैसे विजय सर ने अभी फैसिलिटेट करने के लिए बच्चों को, जो हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर टेस्ट जो ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, उनमें भी जिन बच्चों ने टॉप किया, टॉप 10 स्टूडेंट्स को मोमेंटोज दे करके सम्मानित किया जा रहा है, उनको कहा जाता है ना कि कोई चीज़ करना हो तो लत लगा दो, आदत डला दो, तो उनको सक्सेस होने की आदत डला दो। छोटा सा चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जब लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी, तो वो चीज़ करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा हमेशा। तो ये चीज़ सर के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराएंगे वो चीज़ है कि पेपर एनालिसिस करने के बाद हर एग्ज़ाम के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो एग्ज़ाम के टॉपिक हैं वो तो निश्चित है, बस जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदल रहा है, और उसमें भी सारे क्वेश्चन नहीं बदल रहे, क्वेश्चन जो चेंज आ रहा है, नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 30% के आसपास, 40% के आसपास नए आ रहे हैं,
और लगभग 60-70% पेशेंट्स जो है पुराने आ रहे हैं। तो पुराने पेशेंट्स हमारे गलत ना हो उनके लिए क्या है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी पूरी नियर अबाउट हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में 12,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तैयार किया। ये 12,000 क्वेश्चन हैं जो सारे स्टेट जुडिशरी जो एग्जाम्स हैं उनमें फ्रिक्वेंट पूछे जा रहे हैं। और उसमें भी क्या किया गया कि आईपीसी अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, डीपी अलग है, कॉन्ट्रैक्ट अलग है, सीआरपीसी अलग है, सबका अलग कर दिया। उसमें भी फिर क्लासिफिकेशन किया गया कि कौन टॉपिक है, किससे ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ये टॉपिक अलग है कि आईपीसी में ये जनरल एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं। उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी से थोड़ा कम आ रहा है। तो उसी हिसाब से तैयार कराया जा रहा है कि नहीं, यू हैव टू बी फोकस्ड अबाउट दिस टॉपिक्स और ये वाली थोड़ा साइड में कर सकते हैं आप अभी। तो इन चीज़ों को लेकर के जब हम आ रहे हैं और जब बच्चों को ये चीज़ें दी जाएंगी तो वो सिलेक्शन के करीब होगा। सिलेक्शन इज नॉट अ मैटर ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क से सिलेक्शन नहीं मिलता। हार्डवर्क अगर से सिलेक्शन मिलता तो डॉक्टर भी बहुत हार्डवर्किंग, डॉक्टर भी बहुत हार्डवर्किंग है, लेकिन वो रेस क्यों नहीं जीतता? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हार्डवर्क करता कहाँ है। लेकिन जो रेस वाले घोड़े हैं उन्हें पता है कि हमें रेस कोर्स में ही दिखाना है अपना हुनर, और वहीं जाते हैं और 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट बस, उसके बाद बादाम काजू शुरू, मालिश फिजियोथेरेपी शुरू उनकी। उनको पता है कि यही वो मोमेंट है, वही वो 5 मिनट है जहां हमें अपनी परफॉर्मेंस दे देनी है, उसके बाद महीनों बैठे रहो। वही एग्जाम भी है कि आपको कितना आता है वो सेकेंडरी है, आपने उस टाइम स्लॉट में 3 घंटे में क्या किया है वो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। नॉलेज बहुत सारा हो सकता है लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा वो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप कर पाते हैं तो आप सेलेक्ट होने जाएंगे। और उन्हीं चीज़ों को लेकर के 3 स्टेज की जो हमारी प्रिपरेशन है वो यही है कि पहले तो स्टडी मटेरियल, वो भी अपडेटेड कि जिस हिसाब से अभी एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से उसको मटेरियल मिले। दूसरी चीज़ें विद इन टाइम हम उसको सिलेबस को खत्म करें। और तीसरी चीज़ें बार बार उसका रिविजन कराया जाए, और रिविजन कराने के बाद जब वो परफेक्शन के करीब आ जाएगा तब हम उसे एग्जाम में भेजेंगे। और उसके बाद लक, स्टिलिंग, सारी चीजें वो डिजर्व करता है और जब होगा उसे सिलेक्शन मिल सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने ये नया कोर्स शुरू किया है। और सबसे पहले आज की शाम के जो हीरोज हैं हमारे उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन।